आज हम लेके आए हैं मीठे में कुछ आपके लिए, जिसका नाम है मतंजन। आज मैं आपको मतंजन बनाना सिखा रही हूँ, मीठे चावल भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये मेरे शेरी के किचन में पहले मैंने नहीं बनाने सिखाए, ये पहला तरीका है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं मतंजन बनाना। तो मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है, तो चलते हैं उस तरफ। अगर ये देखें पानी को बॉयल आ गया है, अब हम इसमें चावल डालते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर इस चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि चावल हमने कितने परसेंट तक गलाने हैं। पहले जिसको कहते हैं 90%, लेकिन 90% हमने इसको नहीं गलाना, इसको हमने 70% गलाना है। तीन कनी रह जाएंगे तो वहाँ तक पकाना है मैंने इसे। चावल जितने गलाने हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये 70% तक चावल गल गए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें ये चावलों को हमने पकड़ना है, और ये देखें ये तीन कनी चावल है। अब हमने क्या करना है, तीन इस तरह के हमने बाउल लेने हैं और तीनों में थोड़े थोड़े चावल निकालने हैं। ये तीनों बाउल में मैंने चावल निकाल लिए हैं, क्योंकि तीन कलर है मेरे पास। अगर चार कलर होते तो मैंने चार तरह के चार बाउल में चावल निकालने थे। तो अब ये बाकी मैं जाली में डाल के इसका पानी निकाल लेती हूँ और आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो गाइस ये हमने तीन बाउल निकाले हैं, इसमें अब हम अलग-अलग कलर डालेंगे। ये सबसे पहले येलो कलर है, ऑरेंज कह लें, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ग्रीन कलर। ये देखें, ये आप बाउल वाला कलर लिक्विड कलर भी ले सकते हैं, और दूसरा भी। ये ग्रीन को अच्छे से मिक्स कर देना है, और ये है हमारे पास रेड कलर, ये इसमें डाल दें। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आइए आप चूल्हे की तरफ चलते हैं और अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने एक कढ़ाई ली है, और इसमें हम डालेंगे एक पाव के करीब ऑयल। गाइस अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 सब्ज़ इलायची, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये गिरी ली है मैंने, ये डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप होगी। और साथ ही हमने ले लिया बादाम, इसका मैंने छिलका उतार लिया, ये भी 1 कप होंगे। ये देखें अब हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा देर इसके फ्राई नहीं हमने करना इसे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे दूध, दूध हम मैंने 1.5 कप लिया है, ताज़ा दूध है, ये डाल देंगे। इसको डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो गाइस जितने चावल लेने हैं उससे 1/2 चीनी लेनी है, ग्लास के हिसाब से आ जाए। तो मैंने 4 ग्लास चावल लिए हैं और 2 ग्लास चीनी ली है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो गाइस चीनी मेल्ट हो गई है, ये दूध है इसलिए बॉयल ऊपर को आ रहा है, तो चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट करना था। ये चीनी मेल्ट होने को आ गई है, तो अगर आपको हिसाब ना आए तो आपने 1 किलो चावल लेने हैं और 1/2 किलो चीनी लेनी है। तो जो लोग ज़्यादा खाते हैं इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब है 1/2 चावल और 1/2 चीनी। तो ये मेल्ट हो गई है, तो आइए अब इसमें चावल डालते हैं। ये चावल जो मैंने बॉईल किए थे ये डाल देते हैं। ये देखें ये चावल इसमें हमने डाल दिए, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये जो कलर वाले चावल हैं ये हम इसमें डालेंगे, ये एक साइड पर रखेंगे। अब ये रह गई थी आखिर में सोई, ये हम डाल देंगे इस तरह ऊपर फैला के। तो इसको दम देते हैं 10 मिनट के लिए, इसके ऊपर मैं कवर देती हूँ और 10 मिनट दम दे के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें 10 मिनट दम आ गया, तो मुझे लग रहा है कि ये हो गया, लेकिन चेक कर लेते हैं। ये देखें ये बिल्कुल हो गए हैं। तो अब हम ये देखें इसको मिक्स करते हैं। ये देखें ये कलर देखें कितने प्यारे हैं। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गाइस ये देखें मेरे चावल बनके तैयार हो गए हैं, कितने ज़बरदस्त इसमें कलर आए हैं, और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें बादाम, गिरी, सोगी, इलायची, हर चीज़ नज़र आ रही है, और चीनी जो मीठा है उसका बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है, और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चले गाइज़ फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।